और ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड कॉन्करेंट होगा तो कॉन्करेंट पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये आपको शायद ट्रायंगल का प्रॉपर्टी और ट्रायंगल में था कि थ्री मीडियन ऑब्वियसली एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है। ठीक है ना, मीडियन मतलब क्या होता है, एक पॉइंट है बीसी का जो मीट पॉइंट है, मतलब मान लीजिए डी, बीसी का मीट पॉइंट डी, तो एडी होगा मीडियन। क्लियर ना, एबीसी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एंड डी इज द मीट पॉइंट ऑफ बीसी। ओके, सेम थिंग एसी का मीट पॉइंट मान लीजिए ई, ओके, और एबी का मीट पॉइंट मान लीजिए एफ। तो आप ऐसे एफ आर सी मीट करो और बी आर ई, यहां पे मीट पॉइंट है, ये 100% श्योर की ए क्या होगा, कॉन्करेंट होगा। मतलब कॉन्करेंट मतलब मीडियन एक पॉइंट में मीट होगा। क्लियर ना, इसको बोलते कॉन्करेंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे जी। सेंट्रोइड को हम लोग जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो जी पॉइंट है, ए आर डी को 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब ए जी 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, ये भी एक थियोरम था। ओके, ये भी एक्चुअली थियोरम था, क्लास 9 में आप लोग किए थे, शायद नहीं किए थे, भूल गया हो, जो भी है, हर चीज तो नहीं होता है, एक्चुअली प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली। तो अल्टीमेट क्या होता है, एबीसी, तो इसमें से क्या होगा, एबीसी तो वर्टिसेस है। ओके, मतलब लेट ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री बी वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ओके ना, तो अल्टीमेट क्या होगा, देन AD एक्चुअली मीडियन। ठीक है, तो क्या करेंगे, DEF एंड DE एंड F आर बी मीट पॉइंट ऑफ बीसी कॉमा एसी एंड एबी रेस्पेक्टिवली। ओके ना, तो अल्टीमेट क्या होगा, एडी क्या होता है, मीडियन। ओके, डी मीट पॉइंट, तो अल्टीमेट क्या होगा, एडी मीडियन। तो अल्टीमेट क्या है, देन एजी AG is to GD equal to 2:1 ये रेशियो होता है। ठीक है, हम लोग क्लास 9 में था इस तरह का। ओके, तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है D पॉइंट का मीट पॉइंट, D तो मीट पॉइंट है। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होगा बोलो, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ D कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होगा, कोई बोल सकते हो क्या, अरे डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी तो बीसी का मीट पॉइंट है, अभी बोला, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, अरे डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलिए। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा ना सर, दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा हेलो सर, सर x3 माइनस x2 बाय 2 कॉमा y3 माइनस y2 बाय 2। वेरी गुड,
हम लोगों को फर्स्ट ब्रैकेट में देना पड़ेगा एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई टू कॉमा वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई टू, यस एंड नो। एक्चुअली डी का मिड पॉइंट, एक्चुअली डी क्या है, डी तो मिड पॉइंट पहले से ही बोल दिया है, तो अल्टीमेट ऑर्डिनेट बी। तो अभी अभी क्या बोला, ए जी, ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, और जी क्या है, जी टू इज टू वन रेशियो में डिवाइड क्या है, तो अल्टीमेट हो जाएगा जी का कोऑर्डिनेट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ जी क्या हो सकता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ जी मतलब सेंट्रोइड, जी को क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड, द कोऑर्डिनेट ऑफ जी दैट इज सेंट्रोइड, द सेंट्रोइड लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जी इक्वल टू क्या है, यस टू इंटू डी, मतलब टू इंटू इस तरह का टू इंटू एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस वन इंटू एक्स वन होल डिवाइडेड बाई टू प्लस वन कॉमा टू इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री होल डिवाइडेड बाई टू प्लस वन इंटू वाई वन होल डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, तो अल्टीमेट क्या होगा आंसर, टू टू कैंसिल, अल्टीमेट हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। इंक खत्म है, बोलो। हाँ सर समझ गए। ओहन समझ में आ गया? यस सर। बाकी? यस सर। अपूर्व? हाँ सर, हाँ सर सुन रहे सर, बस हम से समझ में आ गया। समझ में आ गया ना, तो अल्टीमेट यहाँ पे एक्चुअली दो थ्योरम हमने लगाया। हाँ सॉरी वीडियो बंद हो गया, दो थ्योरम हम लोग लगाया, एक एक्चुअली मीडियन का एक थ्योरम है, ओके थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट, ओके। तो अल्टीमेट क्या होगा, हम लोग आगे जाएंगे तो एक छोटे छोटे चीज हम लोग देखेंगे और क्लियर करेंगे, ओके चलो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा कॉपी कर लीजिए जल्दी जल्दी, इसके बाद हम लोग देखेंगे। अच्छा अच्छा शुरुआत अभी बोलो तो, पैरेललोग्राम का कोई डेफिनेशन बोल सकते हो क्या, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन कोई बोल सकते हो क्या सर? क्वाड्रिलेटरल व्हिच जिसका ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ना एंड हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ना 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 रॉन्ग 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 रॉन्ग, मैंने डेफिनेशन बोला। और कोई, मैं छोटा छोटा चीज क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोग क्लास 10 है, छोटा छोटा चीज हम बोलेंगे। और कोई ट्राई करो ट्राई करो, और कोई बोल सकते हो? सर जिसका सब एंगल 60 डिग्री पे हो, मतलब पैराबोला? नहीं सर, एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री हो। ना 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 और कोई, और कोई ट्राई ट्राई और सर रेक्टिलिनियर फिगर, और क्या फोर साइडेड रेक्टिलिनियर फिगर विद दोनों साइड पैरेलल, दो साइड मीन पैरेलल, और क्या दो साइड आर पैरेलल, यस पैरेललोग्राम का फर्स्ट डेफिनेशन ही होगा एक क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बस और कुछ नहीं है। हम लोग क्लास 9 में इसी डेफिनेशन का अंदर डेफिनेशन है, इसीलिए तो हम लोग बहुत सारा थ्योरम प्रूव किया था, ओके ना। क्वाड्रिलेटरल का जो चैप्टर था वहां पे, पता नहीं आईसीएससी में है कि नहीं, आईसीएससी में तो होगा क्योंकि वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम था, ये था जो भी था। तो अल्टीमेट क्या था कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बट इसका प्रॉपर्टी क्या है,
प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअली थ्योरम है, हम लोग क्लास 9 में और 8 में भी थोड़ा सा प्रूफ कर चुका हूं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रूफ किया था हम लोग। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, वो भी प्रूफ किया था। डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग प्रूफ किया था। डेफिनेशन एक्चुअली डायगोनल सर पैरेलल और कुछ नहीं है, बाकी ये देखना पड़ेगा। डेफिनेशन और प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट है। डेफिनेशन से ही हम लोग ये सब हम लोग बनाया था, याद करो हम लोग दोनों डायगोनल से पार्टीशन किया था, फिर कॉन्ग्रुएंट बनाया था, सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल था, ऐसे करके हम लोग बनाया था। चलो जो भी है, तो अभी आप देखो जब पैरेललोग्राम होगा, अच्छा इसको हम क्लीन कर दें, हो गया ना? यस सर, यस सर, हो गया, हो गया, क्लियर ना? चलो सर, सर सर इक्वेशन वाला पार्ट छोड़ दीजिए बस, दो मिनट सर। अच्छा ठीक है, बना लीजिए, पहले बना लीजिए। पिक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, बना लीजिए बस कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या होता है? ए बी सी डी, यस, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए एक्स वन वाई वन, ए एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री और एक्स फोर वाई फोर। दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है ना। अच्छा पैरेललोग्राम को मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सिस्टम में चार वर्टेक्स दे दिया है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा एक क्वाड्रेटरल कुछ वर्टेक्स आर ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री एंड डी एक्स फोर वाई फोर। तो प्रूफ दैट द क्वाड्रेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे कि डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। एक प्रॉपर्टी है डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है? डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर मतलब क्या है? मतलब होता है कि बी डी का बी डी आर ए सी, बी डी आर ए सी इंटरसेक्ट होगा सम पॉइंट, ओ पॉइंट मान लीजिए, कुछ भी पॉइंट हम बता सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। ओके तो अल्टीमेट डायगोनल बाइसेक्ट करने से क्या होता है, वो क्या होता है? मिड पॉइंट होता है ना, है? तो अल्टीमेट क्या होगा, डायगोनल और बाइसेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, जो था डायगोनल और बाइसेक्ट टू ईच अदर, गोनल आर बाइसेक्ट बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? ए क्या है? ओ पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। ओ क्या है? ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डायगोनल डाइसेक्ट मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी डी का जो मिड पॉइंट है और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो दोनों सेम होना चाहिए। अल्टीमेट क्या होगा? दैट इज क्या करेंगे, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी लिखेंगे कि मिड पॉइंट पी टी फुल स्टॉप मतलब पॉइंट। अच्छा चलो, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो तो बच्चे लोग? हाँ सर ये क्लियर हो। मतलब हम लोग मैथमेटिकली तो बोल दिया कि डायगोनल और बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है चलो। तो
लैंग्वेज में बोल दिया कि मैथमेटिकली हम लोग क्या प्रूव करेंगे, क्योंकि मीट पॉइंट ऑफ ए सी, तो ऑब्वियसली ए का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो ए सी का मीट पॉइंट तो हमेशा हम लोग बना सकते हैं ना, और बी का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो बी डी का भी मीट पॉइंट पता होना चाहिए, होगा कि नहीं? यस सर। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट हम बनाएंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, चलो ये रेक्टेंगल तो किस तरह से ए पॉइंट, सेम थिंग यहाँ पे एक्स वन वाई वन, बी मान लीजिए एक्स टू वाई टू एंड सी, सी यहाँ पे होगा सी एक्स थ्री वाई थ्री एंड डी एक्स फोर वाई फोर ऑल एच। अच्छा रेक्टेंगल का डेफिनेशन कोई बोल सकते हो क्या सर? जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल है सर, अ पैरेललोग्राम हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो तो ये हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हो तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हो जाएगा। सर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है सर ना? एक्चुअली ए पैरेललोग्राम व्हिच वन इंटीरियर एंगल इज 92, that's it. A parallelogram which one angle is 90 degree, तब क्या बोलेंगे? One angle is 90 degree मतलब क्या है? Rectangle होगा कि नहीं? हाँ सर rectangle। हाँ सर होगा। अच्छा rectangle होगा तो इसका हम बोल सकते हैं कि all interior angle are 90 degree। क्लास नाइन में हम लोग प्रूफ किया है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? टू डायगोनल आर इक्वल। अच्छा टू डायगोनल लिखिए, दे बाईसेक्ट ईच अदर एज वेल। वो तो पैरेललोग्राम में ही है। मैंने क्या बोला था? ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोल ही दिया था, तो पैरेललोग्राम का जितना सारा प्रॉपर्टी है वो तो रहेगा, उसके साथ साथ भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जब हम लोग फिर से सिमिलर होगा और भी ज्योमेट्री का प्रूफ होगा, तब हम लोगों को इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत जानना जरूरी है, इसलिए मैं और एक बार रिवाइंड कर रहा हूं, मिल गया तो इसलिए मैं रिवाइंड कर रहा हूं। तो बात यह है, पैरेललोग्राम का जितना सारा प्रॉपर्टी है वो तो इसका अंदर मौजूद है ही। ऑपोजिट देखो, पैरेललोग्राम में बोला था ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रॉपर्टी, वो तो है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल वो तो है, ओके। ऑपोजिट एंगल इक्वल वो तो ऑब्वियसली होगा, ओके। डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर वो तो 100% होगा, होगा कि नहीं बताओ? बट यहाँ पे क्या आया है, दो पॉइंट एक्स्ट्रा आया है, डायगोनल इक्वल होगा और क्या होगा, एक एक एंगल मतलब ईच एंगल आर 90 डिग्री। क्लियर कि ना बोलो? हाँ सर। एंगल आर, हाँ हाँ सर समझ गए सर, ईच एंगल आर 90 डिग्री, ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो अल्टीमेट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पॉइंट क्या लिखेंगे, सेम थिंग जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रूव करना चाहेंगे कि ए बी सी डी, ओके, वर्टिसेस आर ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज द रेक्टेंगल। तो क्या करेंगे हम, ए प्रूव करेंगे कि डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, ओके। डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आर bisect to each other and are equal. Clear? That is number one हम लोग प्रूफ करेंगे,
मीट पॉइंट सेम थिंग, मीट पॉइंट ऑफ एसी इक्वल टू मीट पॉइंट ऑफ बीडी, और नंबर टू क्या प्रूव करेंगे बोलो, एसी लेंथ ऑफ एसी इक्वल टू लेंथ ऑफ बीडी। मैंने ये साइन दिया, इसका मतलब क्या है, लेंथ है। यस सर, क्लियर हो गया ना? यस सर, चलो जल्दी जल्दी चलो, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं रिवाइंड कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लास में पूरा ध्यान दीजिए, क्लास में तो उतना ज्यादा नहीं होगा, बट आपको घर में मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का भी चार पॉइंट है, ए ऐसे मैंने दे दिया है, बी सी आर डी। ओके, मैंने बार बार नहीं लिख रहा हूं, ए ये मतलब एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होगा बोलो तो, सर चारों साइड इक्वल और वन एंगल 90 डिग्री। ना डेफिनेशन क्या होगा, कोई बोल सकते हो क्या? आपने गलत बोलो ना, कोई बात नहीं है, तब तो याद रहेगा, बोलो। सर जिसका चार से मतलब जिसका सब साइड इक्वल है और उसका मतलब इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री है। ये एक्चुअली ठीक है, पर हम लोग थोड़ा सा ना डिफरेंट वे में जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ए रेक्टेंगल कुछ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, होगा कि नहीं बोलो? हाँ सर। हाँ, इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी ऐड होगा और स्क्वायर का और एक प्रॉपर्टी आएगा, मतलब उसमें है क्या है, एडजेसेंट साइड इक्वल, ठीक है ना? एडजेसेंट साइड इक्वल है तो अल्टीमेट यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट साइड इक्वल, और कुछ नहीं है, और कुछ यस। और एक प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव किया था कि डायगोनल और परपेंडिकुलर ईच अदर, मतलब बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक प्रॉपर्टी है हम लोग प्रूव कर चुका है क्लास 9 में, बस एक बार रिवाइंड के लिए मैंने बताया, और कुछ नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर सेम थिंग, एक एक पॉइंट करेंगे कि डायगोनल और बाइसेक्ट इच अदर, तो हम लोग नंबर वन में क्या करेंगे, डायगोनल और बाइसेक्ट टू इच अदर, नंबर वन। मैं एक एक करके पॉइंट नोट कर रहा हूं, इसीलिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डेफिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायगोनल प्रूव करने के, सॉरी स्क्वायर प्रूव करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या हम लोग दिखाना पड़ेगा। रेक्टेंगल के लिए दिखाना पड़ेगा मीट पॉइंट ऑफ, मतलब टू डायगोनल का मीट पॉइंट सेम होना चाहिए, और क्या करना पड़ेगा, लेंथ, लेंथ ऑफ एसी एंड लेंथ ऑफ बीडी इक्वल होना चाहिए, तब क्या होगा, नंबर वन क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। बच्चा लोग दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, दिखाई दे रहा है, दिख रहे हैं ना? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नंबर टू। अच्छा, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, नंबर थ्री क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, तो समझ में आना चाहिए कि वन टू थ्री पॉइंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड इक्वल मतलब कोई भी दोनों साइड, ए बी आइदर ए बी इक्वल टू बी सी हो सकता है, और बी सी इक्वल टू सी डी हो सकता है, और सी डी इक्वल टू ए डी हो सकता है, और ए डी इक्वल टू ए बी हो सकता है, आप कुछ भी चाहे कर सकते हो।
ठीक है ना, कंप्लीट है। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है रोम्बस, रोम्बस क्या है? रोम्बस का डेफिनेशन बताओ, रोम्बस का डेफिनेशन क्या होगा? सॉरी दिखाई नहीं दे रहे तुम लोगों को, हाँ बोलना पड़ेगा सर, जिसका चारों साइड इक्वल है। हाँ, ए पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ए पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यस और नो? यस सर। ए पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे सेम थिंग, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल मतलब क्या, यहाँ पे दिस 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 आर इक्वल, यहाँ पे दिस 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 आर इक्वल, तो सेम थिंग हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सेम डायगोनल और बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ऑल आर पैरेललोग्राम, सो नो प्रॉब्लम। फर्स्ट पॉइंट डायगोनल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल्स आर लिखो तो आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, diagonals are bisect to each other, bisect to each other, और number two क्या करेंगे, adjacent sides are equal, adjacent side क्यों बोलेंगे, क्योंकि opposite side तो equal, तो दोनों adjacent side equal है तो all sides are equal बोलने का जरूरत नहीं है, and sides are equal, clear हुआ कि नहीं बोलो? ठीक है ना, चलो जल्दी जल्दी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, ये बहुत ही, ये समझ लीजिए तो बस हो जाएगा और टेंशन वाला नहीं है। ठीक है, तो ओके कभी करो हम ये देते हैं, अच्छा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बारे में पता है ना? अच्छा बच्चे लोग, मैंने स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहूंगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में, अच्छा ठीक है इसको हम देखेंगे, चलो पहले देखो कम से कम, चलो कंप्लीट है? ठीक है, हाँ सर, स्ट्रेट लाइन में है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, चलो वहां पे हम लोग बाद में उत्तर के बारे में, कॉपी हो गया ना? डन? यस सर, यस सर, यस सर। सर आप क्या बोल रहे हैं सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में? यह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है हम तो ठीक है थोड़ा सा बोल देते हैं, मैं एक चीज बोलूंगा, हम लोग का क्लास में जितना होगा उतना नीट एंड क्लीन हो जाना चाहिए, एग्जाम मतलब के प्रिपरेशन जैसे होता है ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा एक्स एक्सिस का मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको तो पता है ये होता है एक्स और ये होता है वाई, ये ओरिजिन है, यस एंड नो, ये तो पता है ना आप लोगों को? यस सर, ये तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, तो एक्स एक्सिस
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का क्या होता है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मीन्स वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई एक्सिस मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो। समझ में आना चाहिए। एक्स एक्सिस एक्चुअली ये इक्वेशन का इक्वेशन है, एक्स एक्सिस, इसलिए इक्वेशन टर्म्स मैंने नहीं लिखा है, हम लोग बाद में लिखेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस का मतलब होता है वाई इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस का मतलब होता है एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर है? एक्स एक्सिस का मतलब होता है वाई इक्वल टू जीरो। एक्चुअली क्यों वाई इक्वल टू जीरो, क्यों एक्स इक्वल टू जीरो, एक्चुअली हम लोग बाद में क्लास 11 में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। वहां पे ग्रेडियंट मालूम होना चाहिए आप लोग का, स्ट्रेट लाइन में ग्रेडियंट होगा तो मैं समझा देंगे, कोई बात नहीं है। स्लोपिंग बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, और नहीं होगा तो क्लास 11 में समझना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस ये एक बार याद रखो, नोट डाउन करके रखो, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा चलो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन through the vertex A of the triangle ABC with vertices A 7, -3, B 5, 3, and C 3, -1। क्वेश्चन को बच्चे लोग ठीक तरह से देखो, तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गया। आप लोगों का वहां पे बारिश हुआ है क्या, हो रहा है क्या आसनसोल में? सर बहुत हो रहा है सर। हाँ सर, ऑलमोस्ट सारी मेरा पागल कर दिया, पूरा पागल कर दिया। ये तो इतना बारिश हो रहा है ना, नेटवर्क कभी बहुत अप डाउन कर रहा है। अभी तो ठीक ठाक दिखाई रही है, जूम में तो अच्छा है। बाप रे बाप, हालत खराब हो गया। तो अभी कौन मैसेज दिया है? ओके okay. अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है शुरू करें? हाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है देखो सर, वर्टेक्स ए से शुरू होने वाला एक मीडियन जो कि बीसी पे जाकर खत्म होगा। मुझे क्या निकालना क्या है सर? मीडियन लेंथ ऑफ द मीडियन, लेंथ ऑफ द मीडियन। तो yes, पहले तो हम लोग एक काम करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग को तो ये करना पड़ेगा ना, वो थोड़ा सा पिक्चर डालेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक इस तरह का एक ट्रायंगल कर लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल जो भी है, एक स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। सो ए बी और सी, ए पॉइंट क्या है 7, -3, और बी क्या है 5, 3, सी क्या है 3, -1। तो मीडियन मतलब क्या है? तो द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स, मतलब ए वर्टेक्स से मुझे मीडियन ड्रॉ करना है, तो अल्टीमेट क्या ड्रॉ करना है? बी सी का मीड पॉइंट होना चाहिए डी, तो ए डी मीडियन मुझे चाहिए, मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए ऑफ द ट्रायंगल
एबीसी विद वर्टिसेस दिस दिस दिस, बस और कुछ नहीं है, यस और नो। अल्टीमेट हम एक काम करेंगे, तो मुझे कौन मीडियन, एक ही मीडियन चाहिए ना, एडी चाहिए ना, तो एक काम करेंगे, लेट डी बी द मीट पॉइंट, लेट डी बी द मीट पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ द साइट ऑफ बीसी, यस एंड नो, ओके। तो इसके बाद क्या करेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या करेंगे, देन द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी इक्वल टू, बोलो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होगा, आप लोग आंसर बोलो। 4.1। सब लोगों का 4.1 आया क्या सर? बनाओ बनाओ, सभी को आंसर देना पड़ेगा, आप चुपचाप रहेंगे तो मुश्किल है। जो आंसर दिया है आपका सर, सर हम शुरू नहीं किए थे सर, दो मिनट बता रहे सर। ठीक है बताओ, यस सर, 3 + 5/2, -1 + 3/2 व्हिच इज यस, तभी डी का मीट पर मतलब 5 + 3, अरे 5 + 3/2, 3 - 1 मतलब 3 - 1 मतलब 3 + -1, अल्टीमेट 3 - 1/2, तो अल्टीमेट क्या हो रहा है 5 8/2, 8/2 2/2, सो दैट इज 4.1, मिड पॉइंट आ गया, डी मिड पॉइंट। सो मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन क्या होगा, द लेंथ ऑफ मीडियन एडी इक्वल टू द लेंथ लेंथ ऑफ मीडियन मीडियन एडी इक्वल टू क्या होगा बोलो, रूट अंडर, अरे दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, याद है ना, ए एक्स वन वाई वन होगा और बी एक्स टू वाई टू होगा, तो ए बी का लेंथ क्या होता है, x1 - x2 होल स्क्वायर + y1 - y2 होल स्क्वायर, सर x2 - x1 होता है सर, बात तो सेम है, बात सेम है, x2 - x1 और x1 - x2 का होल स्क्वायर, बात तो सेम है, हाँ, अरे होल स्क्वायर, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, होल स्क्वायर होकर तो वो नेगेटिव मार्क होगा, हैं, मैं आपको एक चीज बोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और b - a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों सेम है ना, अलग है, यस सर यस सर, सेम है सर, सेम है, हाँ, सेम है ना, हाँ सेम है ना, क्योंकि हम माइनस कॉमन लेंगे तो b - a हो जाएगा, बट -2 क्या है, इवन नंबर, यस, और आपको पता है कि -1 होल टू दी पावर n, इफ n इज इवन नंबर देन -1 होल टू दी पावर इवन मतलब +1, और n इज ऑड देन -1 होल टू दी पावर ऑड नंबर ऑलवेज -1, तो क्लियर ना बच्चा लोग, यस सर, अच्छा बनाओ, लेंथ क्या होगा, सर 5 यूनिट्स निकला, 5 यूनिट्स सर, 5 यूनिट, अरे बाकी ये दोनों ही, केवल ये दोनों ही आंसर देगा और बाकी सब मजे में रहेगा क्या, हाँ तुम लोग पिछले क्लास में बोला था, आज भी क्लास, क्या बात है, बात क्यों नहीं करते तुम लोग, ये अच्छा नहीं है, क्लास 10 है बच्चा, इतना सारा स्टूडेंट 8 9 सब लोग 9 का बैच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर भी सब लोग आंसर दे रहे हैं, बट 10 में क्या हो रहा है, हाँ आंसर क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग, मैंने तो बोला कि गलत आंसर दे सकते हो, कोई बात नहीं है, आप आंसर क्यों नहीं देते हो, ये ठीक नहीं है, मैं चिल्ला रहा हूं, मुझे भी बोलने में बहुत ही दिक्कत होता है, जानते हैं, और आप लोग पूरा मजे में है, चुपचाप है, बिंदास है, है? मतलब ऐसे होता है कि बस सुने के बाद दिखाई नहीं देता है क्या,
अरे सोने के बाद दिखाई नहीं देता है सर, सोने के बाद कैसे दिखाई देता है? है सोने के बाद तो केवल सपना ही आता है ना। चलो फिर भी बात करना होगा बच्चा, बात नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा हमेशा। तो क्या होगा लेंथ, तो अल्टीमेट क्या होगा, x1 x2 आप मान लीजिए ना, ये का कोऑर्डिनेट क्या है 7, -3 यस एंड नो, और डी का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 3 यस। तो आप चाहे तो यहाँ पे x1 y1 कर सकते हैं, यहाँ पे x2 y2 कर सकते हैं, आपका मर्जी आपका मर्जी। तो अल्टीमेट क्या होगा AD। एक बार में नहीं होगा तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि x1 y1 ये क्या है, सपोज x1 और y1 है, ये मान लीजिए x2 y2 है, तो x1 मान लीजिए 7, x2 मान लीजिए क्या है 4, तो क्या होगा 7 -4 होल स्क्वायर प्लस दिस एंड दिस वाई वाई कोऑर्डिनेट -3 -1 होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए यूनिट। तो रूट अंडर 7 -4 क्या आ जाएगा 3, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो अल्टीमेट क्या होगा 9 प्लस 16 25 उसका रूट फाइव फाइव यूनिट्स। यूनिट ये है 5 यूनिट। बाकी सब लोग क्या कॉपी करेंगे क्या, और कुछ नहीं करेंगे? अच्छा, प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करता हूँ कि दो ही स्टूडेंट केवल पढ़ते हैं और बाकी स्टूडेंट चुपचाप रहते हैं, ठीक है? ये ठीक नहीं है। और आप लोग होमवर्क रेडी रखो, माई स्कूल कभी भी आप लोग चेक कर सकते हैं, देखेंगे कि होमवर्क किया कि नहीं, ठीक है ना? होमवर्क आपको चेक करना यस पड़ेगा, रेडी रखो होमवर्क, ठीक है सर। सर बच्चे क्या बोले सर होमवर्क के बारे में, होमवर्क क्या होमवर्क दिया सर? लोग, होमवर्क क्या है आपका, एक्सरसाइज, आपका जो एक्सरसाइज है, ओके ठीक है ना? ओके ठीक है, कॉपी करो बच्चे, कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। हाँ सर हो गया सर। बाकी स्टूडेंट कुछ आंसर ही नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव हार्ट अटैक, कॉन्जिक्यूटिव थ्री कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ए 1, 2 B 1, 0 एंड C 4, 0 फुल स्टॉप, फाइंड द फोर्थ वर्टिसेस, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी, जल्दी जल्दी करो, फाइंड द फोर वर्टेक्स डी। जल्दी जल्दी बताओ, पहले इसको देखो और बताइए।
ठाकुर वो कहाँ गया? नेटवर्क इशू है शायद। क्लियर? हो गया ऑन? हेलो। हाँ सर, बस थोड़ा ही बाकी है। अच्छा ठीक है। तो अल्टीमेट सर आंसर आ गया सर। आंसर बोलो सर। सर जी का वर्टिक्स होगा 4.2। चलो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बाकी स्टूडेंट देख लीजिए पैरेललोग्राम। पहले हमेशा हम लोग पैरेललोग्राम का एक पिक्चर बनाएंगे, ठीक है ना? पिक्चर साइड में बनाने में थोड़ा सा इजी लगता है। तो क्या होगा, ए पॉइंट 1.2, बी कॉमा 1.0, सी एक्चुअली 4.0 और डी पता नहीं क्या है। तो ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी आपको पता है? x1, y1 लिख देते हैं। Since A, B, C, D is parallelogram, parallelogram का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है? एक parallelogram, then क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी ना, ये होगा कि नहीं? यस सर। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अच्छा बताओ। तो इम्प्लाइज दैट, बहुत ही इजी है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, 1+4/2, 2+0 2+0/2 = x+1 = 2, y+0, 2। तो अल्टीमेट क्या आ गया, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। आपको पता है दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, दोनों का ही आपस में इक्वल होना चाहिए तब जाके होगा। तो अल्टीमेट ये क्या होगा, 5/2, 2/2 और ये क्या है, x+1/2, y/2। तो अल्टीमेट देयरफॉर
x plus 1 by 2 equal to 5 by 2. So implies that x plus 1 equal to 5. So x equal to 4. Same thing, y by 2 equal to 2 by 2. Same y equal to 2. Okay? Yes, sir. So ultimate kya hoga? The coordinate of D equal to? The coordinate of D equal to? 4, 2. Yes, the coordinate of D equal to 4, 2. बस आंसर ऐसे ही लिखना पड़ेगा. आंसर का लिखने का स्टाइल भी ऐसा है बच्चा लोग, ठीक है ना? ऐसे बनाओ जल्दी जल्दी, कॉपी करो बच्चा लोग. हो गया सर? हो गया बच्चे लोग? ठीक है, नेक्स्ट कॉपी करते रहो और नेक्स्ट हम देखते हैं. फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल. अच्छा पहले लिखो. हाँ ऐसे यहां पे भी लिख सकते हैं. फाइंड द थर्ड वर्टेक्स. फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल. ऑफ ए ट्रायंगल इफ इट्स टू वर्टिसेस. इफ इट्स टू वर्टिसेस. टू वर्टिसेस आर माइनस 1, 4 एंड 5, 2. ओके एंड मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. क्या है एंड मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज 0.3. क्वेश्चन को कोशिश करो ठीक तरह से पढ़ने के बाद. अब लोग बनाओ जल्दी जल्दी. फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ इट्स टू वर्टिसेस आर दिस एंड दिस एंड मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. So which side, sir? One side, which side, sir? Sir, one side, sir. कौन सा side? कोई भी side हो सकता है, but आपको देखना पड़ेगा कौन side नहीं होना चाहिए. कोई भी side नहीं होना चाहिए. पिक्चर पहले देखो, इसके बाद देखो. कोशिश करो, बोलेंगे. आप लोग पहले बनाओ, इसके बाद बोलेंगे. हाँ सर, थर्ड वर्टेक्स मिल गया. मिल गया? हाँ सब लोग ट्राई किया था. अच्छा सर, हमको नहीं समझ में आया सर, आप लिख दीजिए. ठीक है. हाँ सर, मैं तो बनाएंगे, कोई बात नहीं है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग, मुझे पूरा डिसअपॉइंटेड हूँ आप लोगों का बैच में. बस दो ही स्टूडेंट छोड़ के बाकी कोई नहीं, किसी को मतलब बात ही नहीं कर रहे हो. ये अच्छा नहीं लग रहा.
मुझे जोश आएगा क्या पढ़ने में, बोलो तो बोलो क्या बात है बच्चे लोग, आप लोगों को प्रॉब्लम बताओ क्या है कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या है बोलो बच्चा। आप लोग नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप लोगों को बोलना पड़ेगा ना। आप कुछ दिन के बाद बोलेंगे कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाया था ना वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसमें से बोलने के फायदा क्या होगा, फायदा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना बच्चा। आपको ऑब्वियसली यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि सर बस एक टर्म थोड़ा सा समझा दीजिए, माइक्रोफोन ऑन करो, बाकी दो स्टूडेंट बात कर रहा है और बाकी स्टूडेंट तो बात ही नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं है, आप लोगों को बात करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले एक काम करते हैं हम लोग, एक एक ट्रायंगल को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ए बी सी, ओके ना। एक काम करते हैं फाइंड थर्ड वर्टेक्स, मान लीजिए ए एक्स कॉमा वाई, ओके ए एक्स कॉमा वाई, बी मान लीजिए माइनस वन कॉमा फोर और सी मान लीजिए 5.2, ओके मैंने ऐसे एक पिक्चर डाला है, बोल सकते हो कि मुझे थर्ड वर्टेक्स मतलब कोई भी ए वर्टेक्स ए एक्स वाई निकालना है, और क्या है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब मिड पॉइंट ऑफ वन साइड यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, ये तीनों साइड में कोई भी एक जगह में हो सकता है क्या नहीं? यस सर हो सकता, हो सकता है, बट आप देखो तो बी आर सी का मिड पॉइंट क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा बोलो तो, बोलो बी आर सी का बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा, जल्दी जल्दी बनाओ साइड में लिखो, सर 0.3 आए सर 2.3, बी सी का मिड पॉइंट 2.3, तो यहाँ पे तो 0.3 है, तो अल्टीमेट एक बात तो सही है 0.3 जो है वो बी सी का मिड पॉइंट नहीं हो सकता है, अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ आप लोग बनाइए, मैं तो आपको कॉन्फ्यूजन नहीं करेंगे, मैंने आपको बोलेंगे कि बच्चा लोग स्टूडेंट लोग कॉन्फ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, कैसे चेक करना होता है। देखो यहाँ पे हम लोग दो प्रॉब्लम करेंगे, दो प्रॉब्लम का ट्रिक हम लोग ठीक तरह से समझ गया ना बाकी सब हो जाएगा। बात ये है कि ए आर बी का मिड पॉइंट मुझे पता नहीं है, क्योंकि ए का जो मिड पॉइंट है, ए का जो वर्टेक्स जो है ये हम लोग को पता नहीं है, तो अल्टीमेट बी सी का जो मिड पॉइंट है हम लोग इजीली कैलकुलेशन करके दे सकते हैं, तो बी सी का मिड पॉइंट आ रहा है 2.3, तो 2.3 तो ऑब्वियसली 0.3 मैंने जो अभी अभी बोला कि सपोज मतलब ए बी आई ए सी का ही हो सकता है मिड पॉइंट, तो अल्टीमेट यहाँ पे नहीं होगा, बी सी का बी आर सी का मिड पॉइंट नहीं हो सकता है, आइदर ए बी ए आर बी में मिड पॉइंट हो सकता है और ए आर सी में मिड पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ए अननोन है, ठीक है ना। तो अल्टीमेट कैलकुलेशन हम लोग बना सकते हैं कि लेट ए बी एक्स वाई लेट लेट ए एक्स कॉमा वाई बी द वर्टेक्स एंड बी माइनस 1.4 एंड सी 5.2 be the other two vertices, चलो vertices of a triangle ए बी सी। अच्छा तो ultimate we see that the midpoint of 2.3 equal to this, so ये मिड पॉइंट नहीं होगा, तो आप ग्राफ में लिख सकते हो, अदरवाइज हम ये काम कर सकते हैं, लेट 0.3 बी द
मीट पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी लिख सकते हैं क्या, ए बी, देन देन मीट पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू देन मीट पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स माइनस वन बाई टू कॉमा वाई प्लस फोर बाई टू, ओके, बाय द कंडीशन, बाय द कंडीशन, बाय द कंडीशन, ये क्या है, दोनों पॉइंट सेम है, ओके ना, बाय द कंडीशन जीरो थ्री, तो मैंने बोला है कि मीट पॉइंट, और ए बी का मीट पॉइंट क्या होता है, हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, एक्स माइनस वन बाई टू कॉमा वन प्लस वाई, वाई प्लस फोर बाई टू, तो अल्टीमेट क्या होगा, दोनों एक्सिस इक्वल होगा और ऑर्डिनेट इक्वल होगा, बाय द कंडीशन एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो एंड वाई प्लस फोर बाई टू इक्वल टू थ्री, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन, और ये क्या होगा, इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू सिक्स, सॉरी y प्लस फोर इक्वल टू सिक्स एंड y इक्वल टू टू, ओके, तो अल्टीमेट a पॉइंट क्या होगा, द रिक्वायर्ड अनदर वर्टेक्स इज, द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड अनदर वर्टेक्स, द रिक्वायर्ड वर्टेक्स A is the vertex is A 1,2. अहन 1,2 आया था क्या? हाँ सर, मेरा 1,2 ही आया है. अपूर्व बोलो, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर हमको ये नहीं समझ में आया सर, आप AB का ही मिडपॉइंट क्यों लिए सर 0,3 को? आप AC को भी बना सकते हैं. A तो भी AC, मैंने क्या बोला था? Either AB होगा AC. आप एसी बनाओ ओ भी हो जाएगा सर, उसका लेकिन तो अलग आएगा ना फिर, जिंदगी में नहीं आएगा, सब 1,2 आएगा, 100% आएगा, आप देखोगे. चलो मैं रात वर्क में कर लेता हूं. हां सॉरी सर, लेकिन मेरा तो दोनों अलग अलग आ गया. क्या बात करते हो, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं दिखाता हूँ. एसी का, एसी का मिड पॉइंट क्या है बोलो तो, 5 प्लस सर 5 प्लस x / 2 y + 2 इक्वल टू 0 आएगा. यस सर. और क्या आएगा, अच्छा y प्लस टू बाई टू इक्वल टू थ्री आएगा. है? क्या गलत आ रहा है क्या, x माइनस फाइव? हाँ तो सर, मेरा भी सर मतलब एक और जो केस है, मतलब माइनस फाइव को फोर. हाँ सर, मेरा भी वही है, माइनस फाइव को फोर. अच्छा 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 तब तो प्रॉब्लम है. बात तो सही है, दोनों तो सेम होना चाहिए. अरे नहीं तो कैसे होगा, क्वेश्चन सही है ना सर? कोई सेंट्रोइड तो नहीं है ना सर 0,3? एक भी रुको रुको, क्वेश्चन को थोड़ा सा, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ इट्स टू वर्टिसेस आर माइनस 1,4 एंड 5,2, माइनस 1,4 एंड 5,2 एंड मीट पॉइंट ऑफ वन साइड इज 0,3. अच्छा सर, मे बी ए बी इज टू ए सी हो सकता है सर. क्वेश्चन से कौन सा बुक से है सर? ऐसे तो एक नंबर दे दिया है. हाँ हाँ, दोनों पॉइंट ही होगा, दोनों पॉइंट ही होगा. ठीक 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 ठीक, दो पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज हैं. यस, दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज है सर. तब तो एग्जाम में दोनों ही करना होगा. दोनों ही करना पड़ेगा, दोनों ही करना पड़ेगा, सॉरी दोनों ही करना पड़ेगा. मैंने एक चीज बोला कि मीट पॉइंट ऑफ वन साइड. अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा देखो तो, मीट पॉइंट ऑफ वन साइड
तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, जानते हैं। हम लोग देखेंगे, ऐसे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और एक होकर एक्स वाई पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, लेट 0,3 बी द मीट पॉइंट, बी द मीट पॉइंट। हाँ सर, दो केस में सर, इफ बी, इफ 0,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन दिस। तो यहाँ पे दोनों केसेस होगा। लेट 0,3 बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन ऐसे करेंगे, देन मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू क्या होगा, 5 + x/2, y + 2/2। ओके, 2/2 बाय द कंडीशन ऐसे आएगा। तो अल्टीमेट रिक्वायर्ड व्हाट इज सिक्स ए दिस और कंडीशन दिस। तो व्हाट इज दिस और क्या होगा, और -5,4 आएगा। ठीक ठीक, -5,4 आएगा। दोनों केसेस होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन किया थर्ड वर्टेक्स, हाँ दोनों केसेस होगा। क्लियर है बच्चे लोग? और एक प्रॉब्लम देखो, ये भी प्रॉब्लम है, डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं। कॉपी हो गया ना? अच्छा, और एक क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, सेंट्रोइड का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलो एक दो प्रॉब्लम करा देंगे, कोई बात नहीं, इसके बाद हम लोग देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट find the coordinates of the vertices of the triangle the middle point of whose side of whose side are 0.5, half, and half, 0। तो क्या होगा देखो, तो find the coordinate of the vertices of a triangle, the middle points of whose sides are these। ये मिडिल पॉइंट है, क्या होगा? हाँ सर, क्या सर? ये जो क्वेश्चन दिया है, हाँ सर, ये कॉपी मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, बहुत बड़ा है सर ये क्वेश्चन, सर बहुत बड़ा है। मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे तो इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है सर, करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम से होगा और एज यूजुअल करेंगे तो हो जाएगा। आपको तीन वर्टिसेस बनाना पड़ेगा। कॉपी हो गया ना? चलो वो वाला कॉपी, मतलब मैंने आपको, आप जो चाहे मन चाहे कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको हिंट्स देंगे, ठीक है ना, मन चाहे कर सकते हो आप लोग। एक्चुअली मिड पॉइंट दे दिया है मैंने, ऐसे इस तरह का प्रॉब्लम। ए पॉइंट है बी आर सी, ओके ना,
एबीसी, ओके। तो एबीसी मतलब ये जो पॉइंट है मान लीजिए एक्स वन कॉमा वाई वन और बी एक्स टू कॉमा वाई टू एंड सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, यहां पे तीन मिड पॉइंट दे दिया है, ओके। तो यहां मान लीजिए डी, डी दे दिया है कि जीरो कॉमा हाफ, ये मान लीजिए ई, ई दे दिया हाफ कॉमा हाफ, और ये मान लीजिए हाफ हाफ कॉमा जीरो, ओके ना, इस तरह का दे दिया है। तो आपको क्या निकालना है, वर्टिसेस निकालना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ए बी का मिड पॉइंट ए हाफ कॉमा जीरो, तो ऑब्वियसली एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू इक्वल टू हाफ और वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू इक्वल टू जीरो, ऐसे बना सकते हैं। इस तरह का सेम थिंग ए आर सी का मिड पॉइंट ई है, वहां से रिलेशन मिल जाएगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई टू इक्वल टू हाफ और वाई वन प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई टू इक्वल टू हाफ, एक रिलेशन मिल जाएगा, और एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई टू इक्वल टू जीरो, वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई टू इक्वल टू हाफ, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं है। और एक है मिड पॉइंट थ्योरम से, आप बताओ क्लास नाइन में आप लोग क्या था, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बोले कि सर कौन मिड पॉइंट थ्योरम याद रखे, याद रखेंगे तो इजी होगा, नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे, आपका मर्जी, नो प्रॉब्लम। तो मिड पॉइंट में आप देखो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे, क्या होता है आप लोगों को पता है, हम लोगों को एक प्रूफ किया था कि दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और क्या बोला था, ये जो दिस बी डी ई एफ मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम हो जाता है, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम हो जाता है, सेम थिंग दिस ऑल्सो पैरेललोग्राम, फिर दिस ऑल्सो पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम होगा। आ देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, डी डी ई ए पैरेललोग्राम होगा कि नहीं, मैं आपको सर होगा सर, बहुत सारा पैरेलल है सर, इसीलिए पैरेललोग्राम है। हाँ ऑब्वियसली मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या है, एक ट्रायंगल है ई आर ए मिड पॉइंट होगा, ई एंड मिड पॉइंट थ्योरम से ई एंड ए मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, ई ए बार बी सी पैरेलल होगा, और क्या होगा, वन थर्ड होगा ना, ई ए इक्वल टू वन थर्ड ऑफ बी सी होगा ना, सेम थिंग एफ आर डी मिड पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली डी एफ डी एफ आर ए सी पैरेलल होगा और एफ डी इक्वल टू वन थर्ड ऑफ ए सी होगा, सेम थिंग दिस। तो अल्टीमेट इसी हिसाब से हम लोग क्लास नाइन में प्रूफ किया था बी डी ई एफ पैरेललोग्राम। तो अल्टीमेट में हिंट दे रहा हूं, आप लोग जो मन चाहे कर सकते हैं, बी डी ई एफ इस पैरेललोग्राम, अच्छा बी डी एफ पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना, मैं हिंट दे रहा हूं, मैं प्रॉब्लम को कर रहा हूं, आप लोगों को ये प्रॉब्लम खुद से करना है, ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बी डी ई पैरेललोग्राम होगा, आप बताओ तो ए पैरेललोग्राम का मतलब बी ई का मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट ऑफ बी ई इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डी एफ इक्वल होगा कि नहीं, हा मतलब ऐसे होगा, अरे होगा कि नहीं, होगा ना, अरे बाबा पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा, अरे यस एंड नो बोलो, बस सब चुपचाप हो गया, अरे क्या हुआ, सब कोई नहीं है, हाँ सर तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा सर, बाकी सब तो मजे में है और हम लोग चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है, ठीक है ना, मैं दोनों टाइप का कर रहा हूँ,
तो मीट पैरेललोग्राम बी डी ई ए पैरेललोग्राम होगा तो ऑब्वियसली मीट पॉइंट होगा, तो अल्टीमेट क्या होगा, ई एफ का मीट पॉइंट क्या होगा, बीई का मीट पॉइंट क्या होगा, बीई का मीट पॉइंट एक्स टू प्लस हाफ डिवाइडेड बाई टू कॉमा वाई टू प्लस हाफ डिवाइडेड बाई टू दिस इज इक्वल टू डी एफ का मीट पॉइंट क्या होगा, हाफ प्लस जीरो बाई टू कॉमा जीरो प्लस हाफ डिवाइडेड बाई टू, तो अल्टीमेट क्या होगा, देयरफॉर ये हम दोनों इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स टू प्लस हाफ डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू हाफ प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, टू टू कैंसिल एक्स टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। सेम थिंग वाई टू प्लस हाफ डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू जीरो प्लस हाफ डिवाइडेड बाई टू, वो भी क्या हो जाएगा, वाई टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो अल्टीमेट बी मिल गया, क्या बी मुझे क्या मिल गया, जीरो कॉमा जीरो, वेरी गुड, जीरो कॉमा जीरो ए मिल गया। सेम थिंग डी सी ई ए पैरेललोग्राम होगा, सेम थिंग बी सी ई ए इस पैरेललोग्राम होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली होगा, इसका मतलब क्या है, एफ सी का मीट पॉइंट आर ई डी का मीट पॉइंट सेम नहीं, ठीक है ना, तो मीट पॉइंट ऑफ डी ई ना हम लिखते एफ सी लिखो पहले, एफ सी इक्वल टू मीट पॉइंट ऑफ डी ई, हाँ, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे कि एक्स थ्री प्लस हाफ डिवाइड बाई टू कॉमा कॉमा वाई थ्री प्लस जीरो डिवाइड बाई टू, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो प्लस हाफ डिवाइड बाई टू कॉमा हाफ प्लस हाफ डिवाइड बाई टू, तो अल्टीमेट फाइनली क्या आएगा, एक्स थ्री प्लस हाफ डिवाइड बाई टू इक्वल टू हाफ बाई टू, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। सेम थिंग वाई थ्री बाई टू इक्वल टू हाफ प्लस हाफ डिवाइड बाई टू, मतलब क्या होगा, वाई थ्री इक्वल टू वन, तो अल्टीमेट कैलकुलेशन क्या आ गया, दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, तो अल्टीमेट क्या आ गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बी जीरो कॉमा जीरो और सी क्या आ गया, सी आ गया जीरो कॉमा वन, ठीक है ना, सी जीरो कॉमा वन आ गया। तो अल्टीमेट मुझे एक एक करके निकालना है, अच्छा ऐसे करो तो सेम थिंग ए एफ डी ई, ए एफ डी ई इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम होगा 100% होगा, अच्छा पैरेललोग्राम के लिए हम ये बोल सकते हैं कि क्या है, ए डी मीट पॉइंट ऑफ ए डी इक्वल टू मीट पॉइंट ऑफ क्या, यहाँ पे एफ सी ना सॉरी ई एफ इक्वल है, तो अल्टीमेट क्या होगा, एक्स वन प्लस जीरो डिवाइड बाई टू कॉमा वाई वन प्लस हाफ डिवाइड बाई टू, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ डिवाइड बाई टू कॉमा जीरो प्लस हाफ डिवाइड बाई टू, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, एक्स वन बाई टू इक्वल टू हाफ प्लस हाफ डिवाइड बाई टू, तो कैलकुलेशन क्या होगा, एक्स वन इक्वल टू वन, एंड सेम थिंग वाई वन प्लस हाफ डिवाइड बाई टू इक्वल टू हाफ बाई टू, तो अल्टीमेट वाई वन इक्वल टू जीरो, तो अल्टीमेट ए पॉइंट क्या मिलेगा, वन कॉमा जीरो, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप लोगों को ए मेथड भूल गया है, मान लीजिए ए मेथड आपको भूल गया है, नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने का बात नहीं है, आप एज यूजुअल कर सकते हैं, डी इज द मीट पॉइंट ऑफ बी, तो आप एक एक काम कर सकते हैं, डी क्या है, मीट पॉइंट ऑफ बी सी, तो डी मीट पॉइंट ऑफ बी सी मतलब अनदर प्रोसेस में बोल रहा हूं कि एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई टू इक्वल टू जीरो एंड वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू हाफ, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा, एक्स टू प्लस एक्स थ्री
इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है, और यहाँ पे क्या होगा वाई टू प्लस वाई थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा वन हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद क्या आ जाएगा, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं वन, इसको इक्वेशन मान लेते हैं टू, सेम थिंग ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ऐसे आ गया। सेम थिंग नेक्स्ट करेंगे कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो अल्टीमेट हमेशा हम लोग बोल सकते कि x1 plus x3 divided by 2 equal to half and y1 plus y3 divided by 2 equal to half। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, आप खुद ही देख सकते हो x1 plus x3 equal to 1, ये तीन नंबर इक्वेशन, और यहाँ पे y1 plus y2 equal to 1, चार नंबर इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद और एक इक्वेशन क्या है, f is the मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या होगा, x1 plus x2 divided by 2 equal to half and y1 plus y2 divided by 2 equal to 0। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, x1 plus x2 equal to 1, ये इक्वेशन नंबर 5 एंड y1 plus y2 divided by 0 इक्वेशन नंबर 6। तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ बच्चा, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो है आप लोग क्या करना है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 5 से x1 y1 और x2 x3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सेम थिंग इक्वेशन 2 4 6 से y1 y2 y3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सर निकल गया सर, थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है ना, ये आपको थ्योरी याद रखना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा, फिर से आपको एक एक करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब क्लियर होगा। मैंने दोनों प्रोसेस बता दिया, ठीक है ना। तो बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग बात नहीं करेंगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, और आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मुझे वो मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को बहुत कुछ देने के लिए, सीधा बात है, ठीक है। आप लोग चुपचाप रहेंगे बाकी स्टूडेंट तो हम लोगों का पढ़ने में मजा नहीं आएगा। प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिए, आप लोग देखो, ठीक है ना बच्चा, देखो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ओके। चलो सेंट्रोइड का एक दो प्रॉब्लम करेंगे कल और रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चा, ओके। कॉपी करो, चलते हैं, क्या टाइम हो गया ना, हाँ टाइम तो हो गया, ठीक है बच्चा। सब पूरा कॉपी कर लिया, थैंक यू सर। मतलब दोनों अलग अलग मेथड नहीं, अभी तक एक बाकी है, ये एक्चुअली बाकी है, ये आपको कंप्लीट करना है, ये मैंने सेकंड मेथड दिखाया, इसको कंप्लीट करना है। सर वो कर लिया सर। अच्छा वो आया था ना सेम, मतलब ए 1.0 बी 0.0 सी 0.1 है, आएगा ही, आ जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चे लोग, चलो टाटो। अच्छा कल यहाँ पे करेंगे और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्शन और ओहन आप ए का भी पीडीएफ बनाना शुरू कर दीजिए, स्टेट लाइन का, ठीक है ना। नहीं ओहन भेजा था मुझे क्वेश्चन, ठीक है, चलो बच्चा टाटा।